हेलो दोस्तों, अपने नेक्स्ट रिएक्शन है गाटर मान एल्डिहाइड अभिक्रिया। गाटर मान एल्डिहाइड अभिक्रिया कैसे बनती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट क्या यूज होते हैं और इसमें कौन कौन से उत्प्रेरक काम आते हैं वो इसमें अपने पहले लिख लेते हैं। मेन अगर ये चीज़ें याद है आपको तो आप बना लोगे रिएक्शन, कोई बड़ी भारी बात नहीं होती। रिएक्शन बनाना तो खाली एक डर रहता है बस, और पूछते हैं कि रिएक्शन कैसे बनेगी। अगर अपने पास रिएक्टेंट और उत्प्रेरक पता है और क्या बनना है ये है तो पूरी रिएक्शन आप लिख दोगे, बस खाली थोड़ा सा दिमाग का खेल है। तो गाटरमान अभिक्रिया में एक लेते हैं अपन बेंजीन, ठीक, बेंजीन के साथ रहेगा HCN और HCl, इन तीनों की रिएक्शन कराना है, ठीक। एल्किल साइनाइड साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक यौगिक बनेगा बेंजेल्डिमीन। इस बेंजेल्डिमीन का अपन क्या करते हैं, वही जल अपघटन। तो जैसे जल अपघटन हुआ तो क्या बन जाएगा अपने पास, बेंजीन है तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। ये रिएक्शन तो बेंजीन की HCN और HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बेंजेल्डिमीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। तो इसको रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन बेंजीन का सूत्र है C6H6HCN, साइनाइड में कितने बंद होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये है अपना HCl, और किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं अपन, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्या होगा, यहाँ से देखना, इसको अपन ऐसे लिख लें C6H5 और H, ये जो क्लोरीन है ये इस H को लेके बाहर हो जाएगा, ठीक। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना देंगे, HCl, ये HCl यहाँ से बाहर, इधर क्या बच रहा है C6H5, ऐसा ये पूरा का पूरा ग्रुप इधर जुड़ा, ये बंद टूटा, ये बंद टूट गया तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, ये N और ये H इसके साथ जुड़ा, क्या बना NH, क्या हुआ इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला इसके साथ क्लोरीन के साथ HCl बाहर, तो यहाँ पर एक बंद बच गया, ठीक। ये बंद टूटा, इसके टूटने से एक वैलेंस इसकी और एक वैलेंस इसकी बड़ी, तो ये वाला इसके साथ जुड़ गया इस टाइप से, और ये हाइड्रोजन यहाँ कुछ नहीं होने से नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, इसको बोलेंगे अपन बेंजेल्डिमीन, ठीक। इस बेंजेल्डिमीन का क्या करना है अपने को, H2O के साथ वही जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा बाहर, क्या बाहर होगा, अमोनिया गैस बाहर, अब बच क्या रहा है C6H5CH और ये एक O, ठीक। तो C6H5CHO, इसको क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड, ठीक। तो बेंजीन की HCN और HCl के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजेल्डिमीन प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन करते हैं तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, अमोनिया गैस के हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसमें एक चीज़ देखना, स्टीफन अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया दोनों में मीडिएटर माध्यमिक यौगिक बन रहे हैं इमीन्स करके, ठीक। उसमें स्टीफन अभिक्रिया में अपने पास HCl और SnCl2 की उपस्थिति में अपचयन कर रहे थे एल्किल साइनाइड का, यहाँ पर HCN के साथ क्रिया कर रहे हैं, यह भी बेंजीन की अपन HCN के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भी है और इसमें
जो उत्प्रेरक है वो कौन सा हो गया, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। तो इसमें भी इमेंस बनते हैं, फिर जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड मिलते हैं, वो एलिफेटिक, उस स्टीफन रिएक्शन में एलिफेटिक एल्डिहाइड है और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों रिएक्शन है लगभग सेम है, खाली एक में एल्किल और एक में एरिल का यूज होगा, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी आईएमपी रिएक्शन है, ठीक है? आपको समझ में भी आ गई होगी अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। थैंक यू।